बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां 15 नवंबर यानी कि कल राज्य स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर लोहरदगा जिला में भी अंतिम चरण पर है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि लोहरदगा जिला मुख्यालय स्थित मैदान में विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सारे जिला वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथ ही मैं स्थापना दिवस पे आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर प्रोग्राम्स किए जाने हैं। इन प्रोग्राम्स में जो है अभी जो महाअभियान चला, आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार, इसमें जितनी भी योजनाएं, जितने भी आवेदन स्वीकृत हुए हैं उन सब के स्वीकृति पत्र या फिर तत्सम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वितरण होगा, परिसंपत्तियों का वितरण होगा। तो इस तरह से जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर पे प्रोग्राम्स किए। जिला स्तर पे माननीय मंत्री महोदय के आने की सूचना है। इसके साथ साथ अन्य अगर कोई गणमान्य अतिथियों के आने की सूचना आती है तो वो। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी गौतम के साथ। गौतम, कल राज्य स्थापना दिवस है और अलग अलग जिलों में तैयारियां की जा रही है, बात करें लोहरदगा की तो कैसी तैयारियां चल रही है फिलहाल? जी मैं आपको बताऊं खुशबू कि लोहरदगा के जिला मुख्यालय मैदान में भव्य तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के मंत्री और लोहरदगा विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अलावे राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल और बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कुछ दिनों पहले से ही तैयारी की जा रही है और यह बताया गया है कि करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण मौके पर किया जाएगा। साथ ही किसान मेला और विकास मेला का आयोजन होगा, यानी झारखंड की जो झलक है वो इस विकास मेले में देखने को मिलेगी। और खास करके जैसा लोहरदगा डीसी वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने बताया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिन लोगों को लाभ पहुंचाया गया है वैसे लोगों को भी यहाँ पत्र और कागजात देने का कार्य किया जाएगा, यानी स्वीकृति पत्र जिसे कहा जा सकता है कि वो देने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा लोहरदगा जिला के सभी पंचायतों में और प्रखंडों में भी मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा, लेकिन मुख्य जो कार्यक्रम है वो लोहरदगा जिला मुख्यालय स्थित मुख्य मैदान में ही आयोजन होना तय किया गया है। बिल्कुल गौतम, यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन से गणमान्य पहुँचने वाले हैं? जी अभी तक जो जिला प्रशासन के द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई है जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ साथ लोहरदगा में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल होंगे और इन दोनों के आने की सूचना जिला प्रशासन के द्वारा अब तक बताई गई है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लोहरदगा में भी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और लोहरदगा ही नहीं राज्य के सभी जिलों में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल स्थापना दिवस है और इस मौके पर जिलेवासियों के साथ साथ सभी झारखंड वासियों को सरकार की ओर से कई सौगात मिलने वाली है।